नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बजे हैं, प्राइम डिबेट लेकर उपस्थित हूं मैं संजय राजन। दोस्तों, सूबे की सियासत इन दिनों काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले रहा है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का घर का विवाद समाप्ति की ओर दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसे मौके का फायदा लेने से विपक्षी दल नहीं चूकना चाहते। अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ताज़ा तरीन एक्स किया है, लिखा है मानसून ऑफर, 100 विधायक लाओ सरकार बनाओ। इसी तरह का दूसरा एक्स भी सामने देखने को मिल रहा है, लौट के बुद्धू घर को आए। एक्स पर लिखे इन वाक्यों का लेकर सूबे की सियासत में जबरदस्त चर्चा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर भी कई लोग इस बयान पर चुटकी लेते सुने जा सकते हैं। दोस्तों, बात इतनी सी है कि भारतीय जनता पार्टी में कई दिनों से योगी सरकार से खार खाए कुछ नेता विधायक अलग अलग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की। किसी ने कहा कि यूपी में बीजेपी की हालात खराब हैं, केंद्र मामले में दखल दे, तो कुछ ने योगी सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े कर दिए। सहयोगी दलों ने नौकरशाही के रवैये को कटघरे में खड़ा कर दिया, यानी कुल मिलाकर सबने अपनी अपनी बातें सामने लाने की कोशिश की। कुछ तो डटे रहे, कुछ बाद में बयानों से पलट भी गए। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ चंद नेताओं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक शामिल हैं, संगठन और सरकार का फलसफा बताने की नाकाम कोशिश की। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कटघरे में लाने की कोशिश में लामबंदी बेशक सुर्खियों में रही, लेकिन महज 2 दिन में ही मामला शांत होता नजर आ रहा है। अब समझिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष के मानसून ऑफर के पीछे की कहानी। अखिलेश चुटकी ले रहे हैं और एक ऑफर दे रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता 100 विधायकों के साथ उनके पास आ जाए तो समाजवादी पार्टी अपना बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवा देगी। वैसे ये ऑफर केवल सगुफों की तरह ही देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि सियासत में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो विपक्षों पर चुटकी लेने के लिए जाने जाते हैं। वैसे इस एक्स पर तो ये कहा ही जा सकता है कि नौ नौ मन तेल हुई हैं और ना राधा नची हैं, लेकिन बात सियासी घटनाक्रम की है तो इस पर चर्चा तो बनती ही है। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल हर दिन की तरह होगा, जिससे हम इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान जहां से बीजेपी में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता मामले देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। तो सुना आपने वो बयान। बीजेपी राज्य कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया, बाद में एक्स पर पोस्ट भी कर दिया ये चीज। लेकिन दिल्ली में जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर आए, इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया। और फिर केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव और पीडीए पर जमकर हमलावर नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है ये केवल धोखा है, उत्तर प्रदेश में कभी भी समाजवादी पार्टी का गुंडा राज नहीं आएगा। लेकिन आज तो मजेदार बात ये हो गई कि सुबह होते होते एक्स पर जो अखिलेश यादव का पोस्ट आया मानसून ऑफर का, उससे सियासत में एक बार फिर चुटकियों का दौर शुरू हो गया। न सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है उसके पार्टी कार्यालय के बाहर भी नेता इस एक्स पर चर्चा करते हुए नजर आए। माहौल बिल्कुल साफ है, सियासत में हर दिन नया भूचाल पैदा करने की कोशिश इंडिया ब्लॉक की ओर से की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अचानक भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक सारे विधायक, चाहे वो रमेश मिश्रा की बात कर ली जाए या फिर बात कर ली जाए मोती सिंह की या फिर हरदोई के एक विधायक की बात कर ली जाए श्याम प्रकाश की, इन तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी भड़ास निकालने की कोशिश शुरू की। मौका दिया गया सत्तारूढ़ दल ने, मौका दिया तो विपक्षी दल कहाँ उस मौके को भुनाने में पीछे रहें। अखिलेश यादव ने भी मानसून ऑफर दे डाला कि चलिए जो भी बीजेपी के नीतियों से या योगी सरकार के नीतियों से त्रस्त विधायक हैं, 100 का संख्या बल लेकर के चले आएँ, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के चले आएँ,
उनको समाजवादी पार्टी बाहर से समर्थन दे देगी, सरकार बन जाएगा। अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, जाहिर सी बात है माने निकाले भी जाने चाहिए, क्योंकि सियासत में अगर इस तरह के बयानबाजी का दौर देखने को मिलेगा तो उसके मायने तो निकाले ही जाएंगे। अब बात इतने पर रहती तो समझ में आता। संजय निषाद एनडीए घटक दल के नेता हैं, उन्होंने तो बाबा के बुलडोजर पर ही सवाल खड़े कर दिए, कहा कि गरीबों का घर जब हम उजाड़ेंगे बुलडोजर से तो वो हमें उजाड़ेंगे ही, वोट कैसे आएगी। सुभाषपा का कहना है कि नौकरशाही किसी की बात नहीं सुनती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि नौकरशाही का रवैया, यानी सूबे की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उसे कटघरे में खड़ा करने की एक कोशिश बहुत तेज़ी से शुरू हुई, लेकिन बात लगता है कि बनी नहीं। अब चूँकि उपचुनाव सामने है, 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जाता है कि भीतर खाने में ये तय हो गया है कि 10 में से 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 8 पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। हो सकता है कि इक्के दुक्के संख्या और कम बेसी हो जाए, लेकिन इनके जो आला कमान हैं उनके बीच लगभग लगभग ये फार्मूला तय हो गया। चलिए, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे चंचल यादव जी का, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। राघवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव जी। लेकिन चलिए चंचल जी भाई, सबसे पहले ऑफर आप लोगों ने बड़ा शानदार दिया है, दिन भर चर्चाओं में है, सियासी गलियारे में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर की बात कर ली जाए या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कार्यालय के बाहर की बात कर ली जाए। मैंने सुना है कि हर तरफ ये चर्चा हो रहा है कि अखिलेश यादव ने ये कौन सा मानसून ऑफर दे दिया है कि 100 विधायक भारतीय जनता पार्टी के लेकर के कोई भी नेता उनके पास चले आए, सरकार हम बनवा देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत बेहतरीन विषय आपने सुना है। बीजेपी के अंदर आपने देखा होगा जिस तरीके से सिर्फ फटव्वल का दौर जारी, चुनाव के बाद ये बीजेपी में लगातार बयानबाजी नेताओं की आ रही है। अभी आपने आज लेटेस्ट बयान आया है, फतेह बहादुर सिंह विधायक हैं, उन्होंने कहा कि मेरी जान का खतरा है। उन्होंने लेटर लिखा है आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने अपनी खुद की जान की बताया कि हमें 1 करोड़ रुपये की सुपारी ली गई। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी एक्स मिनिस्टर मोती सिंह जी प्रतापगढ़ में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे राजनीतिक करियर में इतनी भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखी, 42 साल के राजनीतिक करियर में इतनी लूटपाट, इतना भ्रष्टाचार मैंने कभी नहीं देखा। अब सोचिए, उन्होंने कहा थाने से लेकर के तहसील से लेकर कचहरी से लेकर के सारे विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। दूसरी बात, दूसरे विधायक, एक आपने सुना होगा बदलापुर के विधायक जी, उन्होंने जिक्र किया कि यही हाल रहा तो हम कहीं भी सत्ता में नहीं आने, 2027 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और बहुत सारे ऐसे, अभी तो बहुत सारे बयान आपने देखे होंगे, दिखाए भी होंगे, मैं उन बातों को छोड़ करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो अभी आपने जिक्र किया मानसून ऑफर का, मानसून ऑफर समझिए संजय जी, आदरणीय स्टूल मंत्री जी लगातार लालायित हैं कि मुझे किसी भी सूरत हाल मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। कुर्सी के चक्कर में लगातार बेचारे परेशान है, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी मीटिंग में जाना, कभी क्या करना बना जाने। अब वो इसलिए उनके ललायतपन को देख करके आदि अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं, उन्होंने उनके मन को समझते हुए कि भाई ठीक है, अगर आपके अंदर गट्स है, कुवत है, तो यह चक्कर लगाए, लाओ 100 विधायक, जाओ मन जाओ मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनके मन का जो है सम्मान करते हैं, उनके दिल का सम्मान, भाई आप ललायत हो तो भैया ले जाओ, आओ आओ बना दिया जाएगा। कम से कम इस सरकार में आपने देखा होगा जिस तरीके से पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये जितने मंत्री इनके हैं पिछड़े समाज के आते हैं, एक भी मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा 69,000 शिक्षक की भर्ती में, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर एक बार भी केशव प्रसाद मौर्य जी अगर 69 शिक्षक भर्ती के मामले में एक शब्द भी अगर बोल देंगे, वो स्टूल भी छीन लिया जाएगा उनका। मैं बता दूं, और राघवेंद्र जी बैठे हैं,
बीजेपी के अंदर लोकतंत्र नाम कोई चीज बची नहीं है आज के समय में। कोई भी जो जो नेता है, कोई मंत्री है, उस सब के सब नेता और मंत्री इस बात को डरे हुए हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है जी। उनके थानेदार नहीं सुनता है, उनका जो है कोतवाल नहीं सुनता है, उनका जो है सीओ नहीं सुनता है। एक विधायक का मैं वीडियो देख रहा था कि वो कह रहे थे कि मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं अपने यहाँ एक कांस्टेबल से बात कर सकूं। इस लेवल का भ्रष्टाचार आज के समय में है। जो अधिकारी पूरा प्रशासन चला रहे हैं और पूरा अधिकारियों के पूरा भरोसे ये पूरी सरकार चल रही है, आदरणीय योगी जी से ये संभल नहीं रहा है। अब सोचिए कितना बड़ा हास्यास्पद है, कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधायक इस बात को कह रहा है, सत्ता दल का विधायक वो कह रहा है कि मेरी जान का खतरा है इस सरकार में। आप सोच सकते हैं कि ये पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम कर दिया इस सरकार ने, और आए दिन जिलों में घटनाएं हो रही हैं और कोई सुनवाई नहीं है। मैं बता दूं, सही कामों के राघवेंद्र भाई आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं पीछे, आप बता दूं कि आज के समय में सही कामों के भी सरकार में, इस सरकार में चाहे थाना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कचहरी हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हर जगह सही काम के पैसे लग रहे हैं। और आपको बता दें, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसएचओ, ये लोग हैं, अगर एक पक्ष गया पैसा दे आया, आपने दिया 5,000, अगला पक्ष अगर चला गया 6,000 दे दिया, तो उसकी हो जाएगी बात। इतना भ्रष्टाचार है। मोती सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, कम से कम उन्होंने जनता की आवाज को सुनते ही हुए इस बात का जिक्र किया कि जो इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार है कि हम सोच नहीं सकते हैं, कभी इतना भ्रष्टाचार कभी रहा नहीं। और एक बात और बता दें, आपने देखा होगा इनके जो घटक दल हैं, आदरणीय निषाद साहब जो हैं, संजय निषाद जी ने, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार में जो है लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं, जाति देख के घर गिराए जाते हैं, धर्म देख के घर गिराए जाते हैं, तो आपको वोट कौन देगा। आपको याद होगा इनके दूसरे घटक दल अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बीजेपी के अंदर पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी हक मारी हो रही है। अब सोचिए उनको भी, जब उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए के साथ चल दिया है और एक संदेश दे दिया है कि अब इनकी कहीं दाल नहीं गलने वाली है, इनके अंतिम समय चल रहे हैं जी, और इसलिए जो है उन्होंने वो भी घटक दल मैंने आपको जिक्र कर दिया। आदरणीय जयंत चौधरी ने आपने देखा होगा, उनकी बात मैं बता दूं, उन्होंने भी लगातार जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये सरकार में जो है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो कोई एक ऐसा वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगारी हो, कोई भी, आप देख लीजिए इतने बड़े पैमाने पर संजय भाई भ्रष्टाचार हो गया है कि हम और आप देखते हैं। चलिए चंचल भाई, थोड़ा मैं समीक्षा कर दूंगा, हालांकि आपने निश्चित तौर पर यह सवाल उठाए हैं, लेकिन जो 10 विधानसभा रिक्त सीटों पर जो उपचुनाव होना है ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मेरे हिसाब से जो सूत्रों के हवाले से खबर है, उसमें उनको कोई सीट नहीं मिल रही है। इसलिए संजय निषाद जी भी अपने तरफ से दबाव की राजनीति बनाएंगे, अनुप्रिया पटेल भी दबाव की राजनीति बनाएंगी, और राजभर जी तो खैर कहना ही क्या है, वो तो दबाव की राजनीति ही करते रहे, कभी आपके साथ रहे थे, आज वहाँ गए हैं, तो वहाँ भी देखने को मिल रहा है। बहरहाल राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मेरी। भाई अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया है, मानसून ऑफर, आपके नेताओं को जो अति महत्वाकांक्षा रखते हैं कि योगी सरकार समाप्त हो जाए और वो किसी तरह से उस पद पर बैठ जाएं, कि 100 विधायक लाओ और सरकार बनाओ। अभी आपने सही बात कही थी, न नवम तेल होगी न राधा नाचेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बातों का महत्व होता है। मैं 16 आने बाद अपनी सही बता रहा हूं कि अगर इनको इस प्रकार के वक्तव्य देने नहीं चाहिए, इनकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए। इस प्रकार की बातें मजाक की बात होती, वो ऐसे बता रहे थे जो 100 ग्राम मूंगफली की बात कर रहे हैं। अभी हमारे मित्र चंचल यादव बता रहे थे, इनकी जब उत्तर प्रदेश में सरकार रही तब बिल्कुल भय मुक्त वातावरण था, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण था। भाई मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो ऑथेंटिक बातें करता हूँ। इनकी सरकार थी, अखिलेश यादव ने गाजीपुर जेल में मुख्तार अंसारी के लिए पक्का ताला बनवा के दिया था कि मुख्तार अंसारी को ताजी मछलियां मिल सके। मुझे याद है अतीक अहमद ने किस प्रकार से 24 पुलिस कांस्टेबल को अपने घर में बंधक बना लिया था। मुझे याद है किस तरीके से अखिलेश यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, कहा था कि मुसलमान आतंकवादी जो है, लगभग 6 आतंकवादी इलाहाबाद में बंद थे, उन्होंने कहा इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। बाद में उन्हें आतंकवादियों को फांसी की सजा भी हुई थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव को फटकार भी लगाई थी।
मुझे याद है मुख्तार जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर घटना हुई थी, मुजफ्फरनगर हत्याकांड हुआ था, मुझे याद है रामप्रसाद यादव वाला मामला पूरा याद है, हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। भाई भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उत्तर प्रदेश से भयमुक्त कर दिया है, अपराध मुक्त कर दिया है, संगठित अपराध उत्तर प्रदेश से बिल्कुल समाप्त हो गए। मुझे याद है समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी माफिया राज कायम था। संजय जी आपको यह बात भली प्रकार से जानते हो, शिक्षा माफिया, मोरन माफिया, गिट्टी माफिया और शराब माफिया किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हावी हुआ करते थे, बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम करने वाला राजनीतिक दल है, हम लोग सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। ये लोग कभी एमआई समीकरण बना दिया संजय जी, लंबे समय तक एमआई समीकरण के आधार पर राजनीति करते रहे। भाई यादवों का इतना भला कर दिया इन्होंने, मुसलमानों का कितना भला कर दिया, यादवों के नाम पे अपने परिवार का ही भला करते रहे। शेष यादव समाज इनका मुंह ताकता रहा, इनको वोट देता रहा, अब जब देखा कि उनकी कड़ी खुल गई है अब पीडीए लेकर के आ गए। भला करे पीडीए का ये क्या भला करेंगे, घूम फिर के इनका जो गणित अपने परिवार के ही चारों तरफ घूमता है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता है। यादव समाज के 5 लोगों को टिकट दी, क्या यादव समाज के लोगों को दी, मात्र अपने परिवार को दी। अरे कैसा राजनीतिक दल है, परिवारवादी राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है अंत्योदय विषय को लेकर के काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विकास की योजनाओं की झड़ी लगाई थी। भाई आपकी सरकार में कितनी मेट्रो चली थी, भाई 1,000+ मेट्रो चली थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। कितने में एक्सप्रेस वे बनी थी, 1,000+ एक्सप्रेस वे बना था संजय जी, वो भी घपले घोटाले की भेंट चढ़ गया था। उसमें 1 वर्ष के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। सर्किल रेट कभी 100 साल के बाद एक बार बढ़ाए जाते हैं, 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट, कमाल का सर्किल रेट है। बाद में किस प्रकार के पत्थर बाट हुआ था बनी प्रकार से हम लोग जानते हैं, उसकी जांच चल रही है जी। भाई बिना घपले घोटाले के हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 12 एक्सप्रेसवे बनाए हुए हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य हो गया है। कितनी बेरोजगारी दर थी इनकी सरकार में बताइए, थेंटिक बताइए, सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार 13.5% बेरोजगारी दर थी जब इनकी सरकार गई थी 2017 में। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 3.5% बेरोजगारी दर है। हम लोगों ने ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। भाई कितनी सरकारी नौकरी दी आपने, मात्र 70-90 हजार सरकारी नौकरी दी थी संजय जी। राघवेंद्र जी एक मिनट बात जी जी नहीं सवाल ये है, सवाल ये कि डेवलपमेंट को लेकर के दावे सरकार करते हैं, सही बात है, हकीकत में भी बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि घर में खलबली तो आपके मची थी ना, तो उसका फ़ायदा लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने शुरुआती दौर में ही बोला, हालांकि ये ऑफ़र मानसून ऑफ़र कहीं चलने वाला है नहीं, इसको सगुफा के अलावा कुछ नहीं माना जा सकता है, लेकिन चर्चाओं में तो है। दिन भर लोग चुटकी लेते हुए आपके कार्यालय के बाहर भी नज़र आए और कांग्रेस समाजवादी पार्टी हर जगह चर्चा उसी एक्स की रही। नहीं देखिए हमारे यहाँ कभी ऐसा कोई अंतर कलह वाली विषय नहीं है, ये चर्चा होती रहती है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है मात्र वो एक हल्का फुल्का बयान है और उसको गंभीरता से ना हम ले रहे हैं ना अखिलेश यादव, हमें लग रहा है वो खुद ले रहे होंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से राजनीति करती है, हम लोग किसी एक वर्ग की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सब समाज की राजनीति करते हैं। संजय जी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 50 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए थे, योगी पार्ट वन की बात कर रहे हैं, योगी पार्ट वन की क्षमा करिए कि मेरे पास पार्ट टू के भी आंकड़े नहीं है। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर गैस कनेक्शन दिए, विद्युत कनेक्शन दिए, हम लोगों ने पानी के कनेक्शन दिए, किसान सम्मान निधि दिए, हम लोगों ने 5 लाख तक का बीमा दिया, मुफ्त शौचालय दिए, लंबी श्रृंखला है। अगर मैं मेरे पास आंकड़े हैं कितनी हमने सड़कें बनवाई, कितने विद्युत तार बुलाए, सब आंकड़े हैं। अभी ये कहीं नहीं टिकेंगे हमारे सामने, ये सिर्फ गाल बजाने का काम करते, मेरे पास ऑथेंटिक डाटा है। भारतीय जनता पार्टी देखिए ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से 10 विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उपचुनाव, उसमें हम लोगों का लक्ष्य जो है 10 की 10 सीटें जीतने का है और हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। मेरा कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, हम लोग लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें लेकर के लक्ष्य लेकर के चले थे, हमें परिणाम अपेक्षा नहीं मिले, हमको उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन अब आगे हम प्रयास करेंगे। हम लोग जो उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटें उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर उसकी सभी सीटें जीतने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से उसी के आसपास हमको सीटें मिलेंगी। लेकिन राघवेंद्र जी एक सवाल मेरे जहन में भी है कि भाई जो ये 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, उसमें संभवतः 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उसमें 2 कैबिनेट मंत्री जिनको डिप्टी सीएम का भी दर्जा शामिल है उसको भी शामिल कर लेते तो शायद ये चंचल यादव और समाजवादी पार्टी को हमला करने का मौका नहीं मिलता है।
नहीं संजय जी, अब ये जो है हर व्यवस्था हमारे यहाँ एक व्यक्ति तय नहीं करता है, बहुत से व्यवस्था सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है जी, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करते हैं, बहुत से व्यवस्था जिले की इकाई तय करती है, छोटी इकाइयां तय करती है, सब बैठ करके तय होता है, ये कोई एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं होता है। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने कह दिया वही तुगलक फरमान हो गया, कांग्रेस पार्टी ने राहुल ने कह दिया वही फरमान हो गया, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी व्यवस्था नहीं है संजय जी। हमारे यहाँ एक सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय जो लेते हैं उसको माना जाता है, अब जो तय हुआ उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव किए जाएंगे। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता होते हैं संजय जी, हमारे यहाँ जो संगठन से सरकार में लोग जाते रहते हैं, सरकार से संगठन में लोग जाते रहते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए संगठन से बाहर भी कर दिया जाता है, सरकार से भी कुछ लोग बाद में उनको ले लिया जाता है, तमाम नाम ऐसे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी कुंठा ऐसा विषय नहीं आता है। हम लोग समाज सेवा करने के लिए, उत्तर प्रदेश तो देश की जनता की सेवा करने के लिए, जब हमारी सरकारें नहीं होती थी लंबे समय तक संजय जी हमारी सरकार नहीं रही है तो हम लोग क्या काम नहीं करते थे, हम लोग संगठन के माध्यम से सेवा क्या करते थे। नहीं ठीक है राघवेंद्र जी, अभी आएंगे आपके पास, चूँकि चर्चा काफ़ी दिलचस्प है, हालांकि मुझे बताया जा रहा था कि आप आधे घंटे हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि अभी रहिएगा क्योंकि दमदारी से अपनी बात रखनी है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी सवालों के घेरे में आएंगे जी। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, बीजेपी तो भाई पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है, 80 की 80 सीटें जीतेगी जैसा कि उनका दावा है, और 2027 में फिर एक बार योगी सरकार बनेगी, 10 रिक्त सीटों पर जो वाई इलेक्शन होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, फिर आपके सहयोगी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो मानसून ऑफर काहे दे रहे हैं भाई इनको। जी जी, देखिए सबसे पहले तो 2027 के चुनाव की तैयारी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में करना चाहते हैं, सबसे पहले ये निश्चित कर लें कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे जी। तो बीजेपी के अंदर जो इनका अंतर कलह चल रहा है उसे स्पष्ट जो संकेत मिल रहे हैं कि भाई ये योगी जी को हटाने वाले हैं, और अखिलेश जी ने केवल हल्का सा इतना कह दिया कि 100 लाओ सरकार बनाओ, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और घबराहट साफ दिखाई दे रही जी। बड़ी देर तक राघवेंद्र जी का इस तरह से बोलना, इतना अदब, जैसे दुखती रख पर हाथ रख दिया हो। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया है और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में क्या स्थिति रही वो भी किसी से छिपी नहीं है, इंडिया गठबंधन को सीटें मिली और इनको कितनी सीटें मिली, तो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने जा रहा है और उपचुनाव में भी इनकी हालत ये है, ये एक भी सीट नहीं पा रहे जी। तमाम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का दर्द इन्हें बीजेपी वालों ने नहीं समझा जी। मेरे ख्याल से राघवेंद्र जी ऑफिस में बैठकर ही सारी डिबेट्स वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं और ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, जरा कार्यकर्ताओं का दर्द भी सुनिए। अपने आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द यह है कि कई कार्यकर्ता ऐसे होते जिनके काम हम लोग कराते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता उनके काम निपट पाते, बोले हमारी तो विधायकों की भी किसी विभाग में नहीं सुनी जा रही, ये हालात है बीजेपी के नेताओं के। रुझान बदल चुका है भाई राघवेंद्र जी, आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और निश्चय समझ लीजिए अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो गिरना शुरू हुआ है, इतना बड़ा मंथन और चिंतन हुआ लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात के अलावा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरना शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में आने वाला समय इंडिया गठबंधन का है ये निश्चित समझ लीजिए, और यह भी निश्चित है कि जो घबराहट और जिस प्रकार से बौखलाहट हो रही है आपके नेताओं की, कोई ना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बोले योगी बाबा हटे और हम बने, इसकी तैयारियों में लगे हैं, तो दुख की रख पर हाथ रखने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है और यही है वजह है कि आपकी पार्टी के नेताओं में सुगबुगाहट तेज हो गई, चर्चाओं के बाजार गर्म हो गई और यह तय हो रहा है कि कौन व्यक्ति किस नेता और सरकार कौन बनाएगा, ये क्लियर होने जा रहा है, तो निश्चित समझिए आपको भी पूरा सम्मान मिलेगा, आइएगा, स्वागत है। चलिए राघवेंद्र जी के से एक सवाल और ले लेते हैं फिर दिलीप जी के पास चलेंगे। राघवेंद्र जी, भाई जो केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और जेपी नड्डा सबको बोलते हुए हमने सुना है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, संगठन ही किसी भी सियासी दल के लिए, चाहे वो चंचल यादव की पार्टी हो या अनिल शर्मा जी की पार्टी हो, संगठन से बड़ा कोई नहीं है।
तो इस बयान को लेकर के इतना भूचाल क्यों? 15 पेज का जो 40,000 लोगों के साथ आप लोगों ने चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार की थी 60 सदस्यीय समिति ने, उसमें भी लगभग इसी बात का ये है कि संगठन के कार्यकर्ता या तो अति उत्साहित हो गए थे या फिर हतोत्साहित हो गए थे, जिसकी वजह से इस तरह का परिणाम लोकसभा में आया था। तो हमें लगता है कि उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए था। नहीं संजय जी, सकारात्मक रूप में ही लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कहां हालचाल है? ये पेट में दर्द तो समाजवादी पार्टी के हो रहा है। इस विषय को लेकर क्या नहीं लोग प्रश्न उठा रहे हैं? भाई जो माता जो होती है वो बच्चों से बड़ी तो हमेशा होती है। माननीय मोदी जी ने कहा था, आप याद करिए, जब पहली बार शपथ ग्रहण लिया था उसके बाद एक कार्यक्रम था हमारे कार्यालय में, तो मोदी जी ने कहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। तो ये बात कौन स्वीकार करता है जी? केशव प्रसाद मौर्य ने यही तो कहा है, संगठन बड़ा है सरकार से, तो इसमें कोई हलचल की बात ही नहीं है। तो हर कार्यकर्ता कहता है, ये हर संगठन में होता है भाई। संगठन के माध्यम से सरकार बनाई जा सकती है, सरकार संगठन थोड़ी खड़ा करता है। ये बात जग जाएगा, व्यवहारिक बात ये है, इसमें हलचल की कोई बात ही नहीं होती है। और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से जो हमको 80 सीटें जीतने का हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लक्ष्य रखा था, हम लोग उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसको लेकर के समीक्षाएं हुई हैं, उसको लेकर के बहुत विचार मंथन हुआ है। देखिए वास्तविकता तो ये है, कोई भी अगर सीट हारे, कोई भी जिला हारे, कोई भी हमारी सीटें उत्तर प्रदेश से हारी गई हैं, उसका ना कोई एक कारण होता है हार का, और जीत का भी कोई एक कारण नहीं होता है। तमाम विषय जोड़ करके जीत तैयार होती है, तमाम विषय जोड़ करके हार तैयार होती है। समीक्षाएं की गई है, अनिल जी आते हैं, राघवन जी को बोल लेने दीजिए, एक एक करके आपके पास भी आ जाएंगे, राघवन जी को बोल लेने दीजिए पहले। हाँ, हमारे उतने व्यक्तिगत रूप से जीत रहे हैं जितने एनडी गठबंधन के खुद में सब मिला करके नहीं है। कमाल का ये लोग किस विषय का प्रश्न हर्ष मना रहे हैं, किस विषय को लेकर के इतने ज्यादा प्रफुल्लित हो रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश हमें अपेक्षा की सीटें नहीं मिली है, 13 राज्यों में इनका सुपड़ा 100 अब हो गया, ये नहीं पता है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें इनको मिली है जरा बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें मिली है, त्रिपुरा में कितनी मिली, हिमाचल प्रदेश में कितनी मिली है, गुजरात में कितनी मिली है, उड़ीसा में कितनी मिली, दिल्ली में कितनी मिली बताइए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। मिली है 13 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ हो गया है, 13 राज्य इतना छोड़कर के उत्तर प्रदेश में हमें कुछ सीटें कम मिली है, उसको लेकर के कब सीमा आ रहे। अरे भाई वास्तविकता के धरातल पर ला करिए मान्यवर, आप लोग जाना करिए आपकी चारी पर। अनिल शर्मा जी से पहले जवाब लेते हैं, फिर चंचल के पास आते हैं, चंचल कुछ बोला। अनिल शर्मा जी, 13 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया है, फिर भी हौसले बुलंद है भाई। मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन सवाल तो तब खड़ा होता है ना। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ था, कितने राज्यों बीजेपी को कितने राज्यों में सुपड़ा साफ हुआ, 0 सीटें आई लोकसभा चुनाव में, ये भी बताएं कितने राज्यों में ये हार गए। अपना मंथन कीजिए ना, कांग्रेस तो अब उभर रही है और आगे बढ़ रही है, और बीजेपी का ग्राफ गिरना शुरू हो गया जी। कितने राज्यों में आप 0 पर आए ये भी गिनाइए, वो क्यों नहीं गिनाना चाहते भाई, घबराहट क्यों आपको? भारतीय जनता पार्टी का संजय जी ग्राफ गिर चुका है, और इनकी राहुल गांधी के सामने अखिलेश यादव जी सदन में पहुंच गए लोकसभा के, वहां इन पर जवाब पैदा नहीं होते। माइक को म्यूट करना, उनकी भाषण को बीच में कट करना, ये इनकी आदत हो चुकी है। संविधान की जय बोलने पर इनको आपत्ति होती है, ये देश संविधान से चलेगा, और संविधान की जय अगर किसी ने बोली है और उस पर इनको आपत्ति है इनके नेताओं को, तो इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए, उपचुनाव में देखने को मिल गया किस प्रकार से इनको जनता ने नकारा। लोकसभा चुनाव में ये 400 पार का नारा देते थे, लोकसभा चुनाव में गठबंधन की बैसाखियों पर टिक गए ये लोग, सत्ता से पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल में सत्ता पर पहुंचे, वो भी आज बैसाखियों पर है। कम से कम इनको इस बात को बोलने का अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, सियासत में तो इस तरह के दावे हम लोगों ने खूब देखे हैं 22 साल की पत्रकारिता में। चंचल कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर दिलीप जी के पास चलेंगे। देखिए अभी हमारे वरिष्ठ साथी बीजेपी के, उन्होंने कई सारी बातें कही। एक तो सबसे पहला उन्होंने बात की गंभीरता की, बात की कि गंभीरता वाले बयान की बात कर रहे थे। आरडी राघवेंद्र जी, आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी की बातों को कितनी गंभीरता से लोग लेते हैं। अब प्रधानमंत्री जी मुजरा से लेकर के मंगलसूत्र से लेकर के हिंदू मुसलमान शमशान रमजान अजान कब्रिस्तान ना जाने क्या बोला उन्होंने, गाय छीन ले जाएंगे, भैंस छीन ले जाएंगे, अब तो कोई उनको मृत्यु से लेता है। दूसरी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को
ना तो उनके मंत्री गंभीरता से लेते हैं, ना तो उत्तर प्रदेश की जनता, ना तो उनके विधायक कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। आप प्लान ऑर्डर की बात कर रहे थे, मैंने सवाल पूछा था, आप बताओ ये अमृतकाल है, आपके डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में आपका एक विधायक ये कहता है कि मुझे मेरी जान का खतरा है, मेरे लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली गई है, अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आप क्या बात करोगे, झूठ बोल, आप चैनल में बैठ के झूठ बोलते हो। आपने कहा पहले पूरे प्रदेश में केवल एक जिले मेट्रो चलती थी, अरे बताओ कहां मेट्रो चलाई है आपने। हर बजट में, हर बजट में संजय जी हम लोग डिबेट भी किए थे लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हर बजट में मुख्यमंत्री जी 5 जिलों मेट्रो चलाते हैं, एक गोरखपुर में चलाते हैं, वाराणसी में चलाते हैं, बरेली में चलाते हैं, आगरा में चलाते हैं, प्रयागराज में चलाते हैं। बताओ कहां चला दिया मेट्रो आपने, कि वो झांसेबाजी, जुमलेबाजी। अगर आप याद करो मेट्रो चलाने की बात करते हो तो नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक आदरणीय अखिलेश यादव ने मेट्रो चलाई, लखनऊ के अंदर मेट्रो स्टार्ट करी, कानपुर के अंदर मेट्रो चलाया, आपके वाराणसी के अंदर डीपीआर तैयार कर दिया, अभी तक आप चालू नहीं कर पाए हो और झूठ बोलते हो चैनल बैठ करके। आप तीसरी बात आपने कहा, आप अतीक और मुख्तार से थोड़ा आगे उभर जाओ मेरे भाई, अब तो वहां की जनता ने आपको तो चुल्लू भर पानी में डुबो के भिगो भिगो के मारा है, चाहे वो प्रयागराज रहा हो, चाहे गाजीपुर रहा हो, चाहे मऊ रहा हो, चाहे बलिया रहा हो, चाहे बगल की इतनी सीटें रही हो अंबेडकर नगर से लेके, कोई सीटें आपका खाता नहीं खुला है, अयोध्या मंडल की सारी सीटें आप हार गए हो, क्या बात करोगे आप, आपको तो इस बात की शर्म ही नहीं आती है और आप कह रहे हो 10 की 10 जीतेंगे। अरे मेरे भाई जीत तो 400 भी रहे थे आप, इसी जनता ने उठा के फेंका आपको बाहर, अभी आपको घमंड नहीं टूटा है, घमंड भी तोड़ने का काम करेगी इसी उपचुनाव में। और इस मुगल राघवेंद्र जी, और आपने एक बात का जिक्र किया था, माफियाओं के ऊपर लगाम की बात कर रहे थे आप बता दो मुख्यमंत्री कितने सजाती माफिया हैं, जिस दिन आप एक माफिया का नाम ले लोगे इस चैनल में बैठ करके, अगले दिन आपको प्रवक्ता पद हटा दिया जाएगा। राघवेंद्र जी आप नहीं ले पाओगे माफियाओं के नाम, आप मैं नाम ले लेता हूं, ब्रजेश सिंह का नाम जानते हो आप बताओ कहां कहां व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, हिम्मत सरकार एक बार कार्रवाई करके दिखाए। आपको याद होगा यहीं पे देखा होगा आपने धनंजय सिंह को, उन्होंने गले लगा लिया बीजेपी ने। आपको याद होगा इसी देश का एक उत्तर प्रदेश का एक सांसद जिसने पूरे देश को गौरव देने वाली बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, आप उसके बाद मौन सहमति रही, प्रधानमंत्री जी का एक शब्द नहीं निकल पाया मुंह से। अमृतकाल है, ये 20 काल आपका है। मैं आपको और बताता हूं, आपने बात कही, आप याद करो विकास की बात कर रहे थे अभी, अरे विकास शब्द का तो आपके मुंह से निकलने अच्छा नहीं लगता है। आप बताओ अयोध्या में आपने विनाश किया कि विकास किया है, अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कम से कम छोड़ देते जिनके ऊपर राजनीति करते हो आप बताओ पानी चूरा उनके ऊपर, अरे कम से कम प्रभु श्री रामचंद्र जी को छोड़ देते। वहां पे देखो आप जाकर गुजरात के लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और आपको एक काम नहीं मिलने वाला है। कार्यकर्ता रो रहा है, आए दिन मुख्यमंत्री के मुंह से निकल रहा है कि कार्यकर्ताओं के पास काम नहीं है। आप चले जाओ वाराणसी के अंदर, क्योटो बना रहे थे आप हाल जाके देख लो, वाराणसी मुख्यमंत्री गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है आज। अगर मेडिकल के क्षेत्र में राघवेंद्र भाई मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, संजय जी साहब मैं कई बार डिबेट बैठ चुका हूं हेल्थ को लेकर के, ये लोहिया के आप पास चले जाओ, सारे के सारे अधिकतर पेशेंट आपके गोरखपुर के यहां आ रहे हैं। आप बताओ आपने तो एम्स बना दिया वहां पे, आपने तो न जाने क्या क्या काम कर दिया वहां पे, कहां गया अस्पताल, क्या व्यवस्था आपकी है, सब केवल झांसेबाजी जुमलेबाजी के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप बात नहीं कर पाते हो, आप इधर की उधर की उधर करते हो। आप मुझे बताओ अगर आपके पास अगर कोई बात हो तो आप मुझे अयोध्या के अंदर आप बताओ ना, आपने जो जो काम किया भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं भ्रष्टाचार हुआ है, और आपका चेहरा भ्रष्टाचार को लेकर के पूरी दुनिया ने देखा कि जो आप गौ माता की दिन रात पूछने की बात करते हो, आपने स्लॉटर हाउस से चंदा खाए हैं, देश की जनता ने जान गई है, और आप हमेशा भारत माता की जय भारत माता की जय चिल्लाते रहते हो, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा खाने वाले आप लोगों, जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपका चेहरा सब लोग जान चुके हैं, जो बड़े बड़े नारे आप देते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार वो सब प्रोपेगेंडा सब फूट चुका है, गुब्बारा फूट चुका है, अब जनता आपको जो है सबक सिखाएगी उपचुनाव में भी। चर्चा में दिलीप जी को भी शामिल कर लिया जाए। दिलीप जी जी, हालांकि चर्चा की शुरुआत तो आप ही से करनी थी लेकिन थोड़ा विलंब हुआ, कोई बात नहीं भाई। केशव प्रसाद मौर्य संगठन और सरकार को लेकर के जो सवाल खड़े किए, ये तो मैं मानता हूँ कि भाई वाजिब है, क्योंकि हर एक लोग, चाहे चंचल यादव के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हों, उनका भी हम अक्सर पार्टी कार्यालय में जो स्पीच सुना करते थे वो भी बोलते थे कि संगठन के बगैर सरकार नहीं चलती है। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उनको भी नसीहत देते थे कि कार्यकर्ताओं और विधायकों का सम्मान करना सीखो, अपने अधिकारियों से कहो उनका सम्मान करें। और मुझको याद है कि शासनादेश भी आलोक रंजन जी ने जारी किया था कि माननीय जब भी जिलाधिकारी कार्यालय या किसी कप्तान के कार्यालय में जाएंगे तो वो अपने कुर्सी छोड़ करके उनको कुर्सी देंगे और सम्मानजनक तरीके से कार्यालय में स्वागत करेंगे। ये सब कोई नई बात नहीं है, चलिए ये परंपराएं हालांकि बगावत के बाद शुरू हो गई है इस सरकार में। यहाँ भी DGP प्रशांत कुमार ने इस तरह के कुछ आदेश निर्देश जारी किए हैं कि माननीयों का हर हाल में सम्मान होना चाहिए।
लेकिन सवाल तो खड़े तब होते हैं जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, उसके बाद अपने एक्स पर वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। जी देखिए संजय जी, जिस हिसाब से जो है बीएल संतोष साहब आए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है समीक्षा, जो 80-80 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीत रही थी वो तो हुआ नहीं। समीक्षा बैठक पूरे देश में जो है 312 सीटें इनकी आई थी पिछली बार, 303 थी, तो 240 पे आके अटक गए। तो आखिर हुआ क्या? अगर केशव मौर्य जो है जाके यहाँ से जो है दिल्ली जाते हैं, नड्डा से मिलते हैं, शाह से मिलते हैं, तो वो व्यक्ति जो है कितनी बार चला गया, वो व्यक्ति जो है 2014 में चला गया, वो 2017 में उसको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना के केशव मौर्य को बैठाया गया कि आपको सीएम की दावेदारी है, उन्होंने अपने जो है नेम प्लेट लगा दिए, तब छलावा हुआ उनके साथ। इसके बाद 2019 में वो जिता के ले आए जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ, तब छलावा। 2022 में भी और 2024 में भी वो व्यक्ति जो है किया, लेकिन उसके साथ जो न्याय नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, एक ही व्यक्ति को जो है जो अपने स्वजातियों के लिए जो है पूरी तरह से खड़ा है, जो स्वजातीय माफिया हैं, अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि जो है अरे कहाँ हमारे यहाँ जातिवाद है या परिवारवाद है, उनके जो स्वजाति लोग जो है एक भी ठेके पट्टे नहीं पा रहे हैं और सारे के सारे जो है वहाँ के लोग पा रहे हैं। ये सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही नहीं, पूरे जो है प्रदेश के लोगों के साथ है। वो व्यक्ति जाएगा, देख रहा है कि जो है जो परफॉर्मेंस मिला है उसमें ये कहा गया कि जो बाहर से आए लोग थे जो इन्होंने इम्पोर्ट किया था कैंडिडेट को इम्पोर्ट करके, उनको जो है टिकट दे के उनको जो है बल्ले बल्ले कर लिया गया और वो हार भी गए। और जो कार्यकर्ता जो है खून पसीना पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता जो भी थे उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी जो है कोई सुनने वाला नहीं, ना एक कांस्टेबल सुनता है थाने में, नहीं थाने तहसील थाने ये सब जो है ब्लॉक सब बिके हुए हैं, घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, भद्द पिट रही है योगी जी की। अखिलेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जैसा राघवेंद्र जी ने कहा, चले गए राघवेंद्र जी कि 100 लाओ सरकार बनाओ, सही बात है, जब आप इतने उतावले हो, आपका इतने जो है उपेक्षा हो रही है, आइए आप जो है 100 विधायक लेके आइए, हम जो है सरकार आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे। गलत बात नहीं कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टियों को जो है तोड़ने वाली पार्टी है, चाहे वो जो है महाराष्ट्र में हो, चाहे जो है बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं भी हो, या आप देखें जो है विश्व वो हेमंत बिस्व सरोया था, उसकी जो है 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सरकार बना लिया, उसको गाली देते थे अजीत पवार। तो इनसे जो है ये जो सारी चीज़ें हैं निश्चित तौर पे जो है बहुत ज़्यादा उठा पटक है जो है भारतीय जनता पार्टी में। और आपको एक चीज़ और बता दें दिलीप जी, एक शब्द बोल दूँ मैं, आप ये 10 जो इलेक्शन होने बाई इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के, इसके बाद सर्दियां जो है योगी जी की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा लगता है क्या? जी एकदम हो जाएगी, आप देखिएगा। हमें तो लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को ही बैकफुट पर आना पड़ा है, क्योंकि ब्रजेश पाठक भी अब सक्रिय नजर आ रहे हैं, अस्पतालों में फिर छापेमारी का दौर वो शुरू कर दिए हैं, ऐसे प्राइम टीवी के खबर का असर भी कहा जाता है, क्योंकि चर्चाएं तमाम तरह की हो रही थी जो हम लोग वीकेंड में जो मेडिकल का रियलिटी चेक करते हैं। जी बहरहाल मेरा ये कहना है कि आपको वो वाकया भी तो याद होगा ना, जब यादव परिवार में रार चल रहा था, हाँ, तो अक्सर जो है मंच से योगी आदित्यनाथ हों या कोई भी बीजेपी के बड़े नेता हों अक्सर शिवपाल जी को कहा करते थे कि अरे वहाँ कहाँ बैठे हैं आप, मेरे साइड चले आइए। जी तो ये से चर्चाएं तो खूब होती थी, लेकिन हकीकत में ये परिणित हो पाया क्या? आपको एक चीज़ बता दें कि मैं आपको भी सभी को मालूम है कि मैं शिवपाल जी से बहुत ही करीबी जुड़ा हुआ हूँ, आज भी जुड़ा हूँ। शिवपाल जी ये कहते थे कि जो है मुझको प्रोफेसर साहब कहते हैं, कहते हैं प्रोफेसर साहब मैं जो है चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 और 22 वाला टर्म था, मैं चाहूँ तो जो है सरकार गिरा के सरकार खुद बना के मैं जो है चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, लेकिन कितने दिन, क्या उन जो है सामाजिक समाजवादी वसूलों को जो है तोड़ के,
तो मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, वो जो है पूरी तरह से जो है समाजवादी हैं और उनके रग रग में उनके खानदान में है। लेकिन जो रार की बात आप समझे नहीं, जी जी मैं कहा कि अखिलेश यादव जी आज केशव प्रसाद मौर्य को इशारों इशारों में कह रहे हैं कि भाई 100 विधायक लेकर के आ जाओ, मानसून पर है, हम बाहर से समर्थन दे देंगे। जी जी। कुछ इसी तरह का योगी आदित्यनाथ जी भी सदन में बोल चुके हैं कि शिवपाल जी आप गलत जगह बैठे हैं, मेरे पास चले आइए। मैं ऐसा होता है क्या सियासत? मैं वही कह रहा हूँ, जमीर सबके बिकते नहीं है। अगर जमीर जो है माननीय शिवपाल जी की जो है बिकी होती तो शायद वो जो है जो जिस हिसाब से जो है योगी आदित्यनाथ कहते थे वो होता, लेकिन वो कभी भी जो है अपने भाई को लेके माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो आप विश्लेषण देना नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं एकदम सही बता रहा हूँ, मैं शिवपाल जी के जमीर की बात नहीं कर रहा हूँ। शिवपाल सिंह यादव जी क्या बीजेपी में चले जाते तो मुख्यमंत्री बना दिए जाते? नहीं जाते, वो पहला नंबर की मुख्यमंत्री, वो जो है अगर मुख्यमंत्री क्या प्राइम मिनिस्टर भी बना देते तो नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ कि ये सियासी सगुफा ही होता नहीं, है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर उनको जो है माननीय नरेंद्र मोदी भी जो है ऑफर दे देते कि आओ जो है आप बैठ जाओ, वो नहीं जाते। कारण ये बताते हैं कि मुलाकात हुई थी दिल्ली में। हाँ, वो होती रहती है। हम लोग ब्रेकिंग भी चला रहे थे कि किसी भी वक्त खबर आ सकती है। कारण ये चंचल चेहरा ना छुपाइए, कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्लियर कर दूं। संजय भाई, हाँ। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, की बात नहीं है। लोग जो है जिनके खून में जो है जो विचारधारा होता है तो उसी विचारधारा को जो आगे लेके बढ़ते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के खून में कुछ नहीं, वो 100 विधायक लेके समाजवादी पार्टी में। केशव प्रसाद मौर्य के अंदर अगर जो है यही बात होती तो उन्हीं के सहोदर पार्टी जो है अनुप्रिया पटेल कहती कि जो है आप जो है ये काम हो रहा। एक बार भी जो है केशव प्रसाद मौर्य आपने पिछड़े भाइयों के लिए किया कुछ? दिल से विश्लेषण दीजिए, मैं जमीर की बात नहीं कर रहा हूँ शिवपाल सिंह यादव। मैंने कहा कि सियासत में इस तरह के गेम चलते रहते हैं, चलते रहते शौर मात का चंचल। आपने तो इतने सारे आरोप लगा दिए कि बीजेपी के प्रवक्ता ही उठ भाग खड़े हुए राघवेंद्र जी। मैं उनसे अनुरोध भी किया कि भाई थोड़ी देर और रुक लीजिए, क्योंकि चर्चा उन्हीं के इर्द गिर्द है। संभवतः हो सकता है कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को अपना एक्स डिलीट करना पड़ा, राघवेंद्र जी के ऊपर भी पाबंदी आ गई हो कि भाई इस पर मुद्दे पर चर्चा न हो। लेकिन गंभीर है मामला जी, मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जो तमाम विधायक इस तरह की बातें लिख रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हरदोई का शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा या फेसबुक अकाउंट पर वो लिखते हैं, मोदी जी ईमानदार है किंतु अडानी और अंबानी देश को लूट रहे हैं, योगी जी ईमानदार हैं अधिकारी लूट रहे हैं। ये कल का फेसबुक का पोस्ट था, आज का मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है। लेकिन अगर ये आरोप लगाया जा रहा है तो फिर ईमानदारी का चोला मोदी जी और योगी जी को कैसे पहनाया जा सकता है? भाई इशारा तो साफ है ना कि केंद्र सरकार में अडानी अंबानी लूट रहे हैं, प्रदेश में नौकरशाही लूट रहा है। चंचल जी देखिए, मैं तो अभी राघवेंद्र भाई का पूरी बात का जवाब भी नहीं दे पाया था। उन्होंने एक बात और जिक्र किया था, परिवार की बात कर रहे थे। देखो कि परिवार के लोगों को टिकट मिला, जानते क्या इनकी ये इनको परिवार को नहीं है टेंशन है, उनको दिक्कत ये थी कैसे पिछड़े समाज का बेटा, निषाद समाज का बेटा, प्रजापति समाज का बेटा, गौण समाज का बेटा और जो हमारे ठठीर समाज का बेटा कैसे सांसद बन गया, उनके पासी समाज के बेटा कैसे सांसद बन गया। इनके मन इनका पेट मरोड़ता है कि जब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हक मिलने की बात आती है तो इनको टेंशन ये बस इस बात की होती है, इस बात की उनको टेंशन थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जो है केवल जो है इधर उधर की बातें करते हैं। एक बात और उन्होंने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ निर्णय जो है सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय कुछ है क्या इनके पता ये पार्टी के अंदर? अब तो बेचारे केशव लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे, केशव जी, अब चर्चा हुई कि आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं तो केवल ब्रजेश पाठक जी भी चंचल नाम ले लो। जी जी हाँ, ब्रजेश पाठक जी, आप केवल दो व्यक्ति पार्टी चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि क्या बीजेपी बीजेपी रह गई है जो पहले भारतीय जनता पार्टी थी? वो एक भी नहीं रह गई है। आप जो पुराने नेता रविशंकर प्रसाद हों, चाहे जो भी पुराने नेता, वो तो राजनाथ सिंह अपने आप को इधर उधर करके मतलब मिसमैनेज और मैनेज करके उन्होंने अपने आगे पीछे करके वो मैनेज किए पड़े हैं, ये तो भी कब तक तो उखाड़ के फेंक दिए गए होते हैं। और उनके बच्चों की हालत आपने देखी होगी, जिस तरीके से उनके ऊपर सबसे पहले सरकार बनती भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में भ्रष्टाचार को लेकर नए नए आयाम गढ़े हैं। और बताइए, सोचिए, मैं तो बड़ा सुन करके अब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी कोई बात का जिक्र करते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। आपको याद होगा एक रेलवे के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मैं रेलवे में चाय बेचा करता था, ट्रेन में चाय बेचा करता था और मैं कभी रेल बेचूंगा। उसके बाद पटरियां तक बेच दिया प्रधानमंत्री जी ने। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी जब भी कभी बात करते थे बैंक में, क्या भाइयों बहनों आपका खाता होना चाहिए होना चाहिए। आपको बता दूं संजय जी, इस सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए केवल मिनिमम बैलेंस के नाम पे आम जनता के पैसे काटे हैं। और जानते हैं जो मिनिमम बैलेंस पैसा कटता है वो अमीर नहीं होता है,
वो गरीब होता है जिसके खाते में 500 600 हजार रुपए जो आते हैं पेंशन के निकाल लिया उसने रखने के लिए, वो पैसे काट लेती है। ये वो सरकार है, लोगों की खून चूस ली है, आप ही जान लीजिए। और आपको बता दें कि जब जब मोदी जी ने जिस बात का जिक्र किया, चाहे वो किसान सेस हो, चाहे वो क्या ना स्वच्छता अभियान के नाम पे टैक्स लगा दिया इन्होंने आम जनता के ऊपर, ये बहुत सारे जितने भी वाकये हुए हैं केवल और लूट खसूट का काम किया, ये व्यापारी का मतलब इस व्यापारियों को जो है कि आगे बढ़ाने का काम किए। अभी मैं देख रहा था जो शादी चल रही थी अंबानी जी के, वो 2014 में 1.4 लाख करोड़ रुपए इनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी इनकम मतलब इनकी व्यवस्था थी अंबानी जी की, और अभी जो है 9.7 लाख करोड़ रुपए इनकी इनका इनकम हो गई है। आप सोचिए कि कितने गुना प्रॉफिट हुआ। अडानी का तो थोड़ी दो, आप कितने कहां से कहां पहुंच गए, 646-47 नंबर था इनका पूरी दुनिया में, सेकंड नंबर तक पहुंच गए। तो ये बीजेपी ने केवल अपने अडानी और अंबानी अपने साथियों के लिए पैसा कमाने का काम किया, आम जनता के सरोकारों से कोई उनको लेना नहीं था। आप अगर सोचिए मेडिकल की व्यवस्था, मैं बता दूं गरीब आदमी बेचारा इस बात को सोच के डरता है संजय जी कि मैं अगर तबियत खराब हो जाएगी तो मैं भर्ती नहीं हो पाऊंगा। आप मैं भी कल लोहिया में स्नैक बाइट, हमारे आजमगढ़ ने दो लोगों को सांप काट लिया था, एक लोग को तो परसों नर्सों में भर्ती कराया, एक लोग को ज्यादा दिक्कत हो गई थी, उनको वेंटिलेटर मिलना पेशेंट हो गए थे, वहां से आए मैं दो घंटे में बड़ी मशक्कत के बाद जाकर के बेड मिल पाया है लोहिया के अंदर जी। और ये बता दें आप कभी, अगर आप कभी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपना एक रिपोर्टर भेज दीजिए अभी शाम को, मैं यहां से होके यहां से लोहिया होके जाता हूं, आप भेज दीजिए, कम से कम 70-80 मरीज वही बेचारे तड़प तड़प के मर रहे हैं बाहर। ये हालत बना के तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के अभी छापामार मंत्री का अपने नाम लिया था, और हमारे स्थूल मंत्री तो खैर उनका पूछिए मत, तो चर्चा में बने रहने के लिए ना जाने का, लेकिन छापामार मंत्री जी लगातार अस्पतालों का चक्कर लगाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि वो देखने जाते हैं अस्पताल की दुर्दशा को, और देख करके आते तो करते क्या है। कोई मंत्री पहले तो कम से कम मंत्रियों का इकबाल हुआ करता था कि मंत्री जी आने वाले हैं तो कम से कम अस्पताल की व्यवस्था अच्छी हो जाती थी। इसका मतलब ये हो गया है कि मुख्यमंत्री जी से जो है न तो मंत्रियों का सामंजस्य सही बैठ रहा है, न तो विधायकों का सामंजस्य बैठ रहा है। वो हर आदमी जो है नहीं, पहले गांव में जब बैल नाथे जाते थे 10 सेकंड में तो बैल नाथे जाते थे, एक बैल इधर भागता था एक बैल उधर भागता था, तो जो कभी कभी जो है चोट लग जाया करती थी बैल के पैर में, जो है लग जाता था, हल लग जाता था। तो वही घटना है इस समय कि दोनों लोग जो है मुख्यमंत्री इधर भाग रहे हैं और केशव इधर भाग रहे हैं, ब्रजेश पाठक इधर भाग रहे हैं, सब तोड़ा तोड़ा के भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, स्थितियां सुधारने की कोशिश वहां चल रही है, आप लोग हल्के में नहीं लेंगे। अनिल जी, जाहिर सी बात है भाई, बीजेपी में जो भी चीजें चल रही हैं उसको वो दुरुस्त करने के भी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। अग्निवीर को लेकर के तमाम तरह के आप लोगों ने सवाल खड़े किए, अग्निवीर को लेकर के अलग अलग राज्य और तमाम अर्धसैनिक बल से लेकर के अलग अलग केंद्रीय विभागों में उनके 10% आरक्षण का प्रस्ताव लगभग तय हो गया, कई राज्यों ने इसकी घोषणा भी कर दी है, तो उनको समायोजित करके एक माहौल बनाने की कोशिश चल रही है। रही बात यहाँ गठबंधन और सरकार को लेकर के, तो उसकी भी कवायद तेज चल रही है। आप लोगों के सामने तो अभी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि 10 सीटों पर फिर आपकी कहा जा सकता है कि परीक्षा पार्ट 2 शुरू होगा, क्योंकि उसमें बीजेपी की पूरी रणनीति है कि 10 की 10 सीटों पर बाई इलेक्शन जीत लिया जाए, लोकसभा का जो डैमेज कंट्रोल है उसको कर लिया जाए, जिससे 2027 के लिए एक मैसेज जा सके। देखिए सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मंथन का जो क्रम चला, सफलता उसको कितनी मिलती है ये भविष्य के दर्द में है, लेकिन हम लोग 10 की 10 सीटों पर जो मशक्कत और मेहनत हम लोग मिलकर कर रहे हैं और जनता का जो रुझान हम लोगों को मिल रहा है, निश्चित ही हम 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर जो घबराहट है वो इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाकर कौन मुख्यमंत्री बने, एक दूसरे को टंगड़ी मारने की तैयारी में है। अंतर कलह बीजेपी में इतना बढ़ चुका है, कितने भी मंथन कर ले, चिंतन कर ले, वो अंतर कलह इन सब पर भारी है। कार्यकर्ता का दर्द ये लोग नहीं समझते, ये केवल नेताओं की अपनी भाषाओं को समझने का काम करते हैं। जनता का दर्द क्या है वो इनको नहीं पता। अस्पतालों में चंचल भाई ने बताया, छापामार मंत्री केवल जाते हैं और क्या करने जाते हैं ये भी किसी को नहीं पता। सामंजस्य सरकार में नहीं है, कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य नहीं है, और सबसे बड़ी बात 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक होने से नौजवानों के साथ जो धोखा इस सरकार ने किया है उसका खामियाजा ये सरकार भुगतने के लिए तैयार जी। इंडिया गठबंधन ये नहीं कि चुनौतियों से डर रहा है या चुनौतियों से भाग रहा है,
हम हर चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और इस सरकार का जो काला चेहरा है उसको पर्दाफाश करने का भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर बाबा के नाम से जो कहानी चल रही थी, इनके खुद के लोगों ने ही बुलडोजर को खत्म करने का काम। जी दिलीप जी, जी भाई जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने डैमेज कंट्रोल करने में लग गई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक को भी अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनौतियां तो अभी आगे और भी हैं। अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 10 रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं इनको और ज़्यादा अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए अलग अलग जो है राज्यों का, जैसे आपने जिक्र किया, चाहे वो दिल्ली हो हरियाणा हो, वहाँ का अपना अलग जो है कांग्रेस और जो है इनके जो सहयोगी दल हैं उनसे है, वो अपना तारतम्य वहाँ बैठा लेंगे। और यहाँ पे जो है 10 सीटों का निश्चित तौर पे सत्तासीन जो पार्टी होती है वही जो है बाई इलेक्शन जो है ज़्यादातर जीतती है, ये रिकॉर्ड रहा है हमेशा के लिए। जी अब इसमें जो है जो हमें लगता है जो खींचातानी चल रहा है, क्योंकि केशव मौर्य ने आपने खुद ही कहा कि जो है एक्स से अपना जो है पोस्ट डिलीट कर लिए, कि संगठन से बड़ा जो है संगठन बड़ा है सरकार से, गतिरोध यहीं से शुरू हुई थी, वो पोस्ट उन्होंने डिलीट कर लिया जेपी नड्डा से मिलने के बाद। इसका मतलब कि उन्होंने जो है योगी जी को जो है चेतावनी दे दी, बात समझ रहे हैं आप, योगी जी को चेतावनी दे दी, वहां चले गए, फिर उनको प्रेशर बना वो कि अभी जो है 10 सीटें जो है जीत लो, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा 27 का। तो आपको एक चीज और बताएं कि जो है वो अंदर खाने में कितनों भी दबा दिए जाए केशव मौर्य के अंदर जो आग धधक रही है 2014 से लेके अभी तक, वो व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बनते बनते एक बैकवर्ड का आदमी जो है और मौर्य समाज का व्यक्ति जो है बनते बनते रह गया, वो कसक उसमें है और इसी वजह से वो तमाम मीटिंगों में नहीं जाता, या जो है जो जिस हिसाब से योगी जी जो है तिरस्कार करते हैं उस व्यक्ति का, वो असहनीय है। देखिएगा जो है गुस्सा ही फूटेगा, कितनों डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलीप जी, जो कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आई थी, समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 2022 में लड़े तो 52 सीटें कम हो गई, उस व्यक्ति को कितना आप दबाएंगे। और वाकई में अगर जो है लोकतांत्रिक जो है भारतीय जनता पार्टी है तो बदलाव कर देना चाहिए, तभी जो है 2027 का इलेक्शन जो है कुछ अच्छे उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, नहीं तो जो है नहीं जीत सकती। ये तो देखना होगा, क्योंकि मामला चूंकि काफी गंभीर था जी, अब योगी सरकार में भी थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, क्योंकि पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर में जिस तरह से बुलडोजर पर कार्रवाई अभी फिलहाल स्थगित की गई है जी, अधिकारियों से नोटिस भी आज जारी कर दिया मंडलायुक्त ने कि आखिर क्यों ये लाल निशान लगाए गए, और हस्ताक्षर जो डिजिटल होना था उस पर भी थोड़ी नरमी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि इस दबाव में कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे योगी सरकार भी आती हुई नजर आ रही है, बुलडोजर वैसे नहीं गरजेगा जैसे पहले गरजता हुआ दिखा था। हालांकि निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि बड़े माफिया हैं, गुंडे हैं, उनके बुलडोजर चलाओ भाई, उनके अपने घर पर चलाओ, बेटा अगर हत्यारा है तो बाप का घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए जी। इस बात का मैं उस समय भी मजम्मत करता हूं, आज भी करता हूं। चलिए, क्योंकि दिलीप जी, जी बातें तो बहुत कुछ करने को थी, राघवेंद्र जी इस चर्चा में नहीं रहे जिसकी वजह से संभवतः हम लोग अपनी बातें एक तरफा करते चले गए, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बड़े बदलाव की सुगुगाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि उपचुनाव तक अभी मामला साफ तौर पर शांत होता नजर आ रहा है, फिलहाल लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आलाकमान ने एक और मौका और देने का मन बनाया है कि इस चुनाव परिणाम के बाद संभवतः बड़े बदलाव की बात हो। सारे मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अभी सूबे की सियासत में हर दिन नया मोड़ आ रहा है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लगता है कि उपचुनाव की घंटी नहीं बज जाती है। फिलहाल देखना दिलचस्प होता है कि बीजेपी में आगे क्या कुछ होता है। हालांकि माना तो ये जा रहा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे तो प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेंगे और संगठन में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां भी देखने को मिलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से जो विधायकों की नाराज़गी है या कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है उसको दूर कर पाते हैं,
इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आपकी फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है, इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब लखनऊ, हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है, पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध। करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200, पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता 12 बंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मन पसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज, एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहाँ रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहाँ मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ, भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीन गंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9188587624669, 9185770927862786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध, आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज व ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू एंड आईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में।
पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज टुंडियागंज लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदें अपने सपनों का आशियाना मल्हौल स्टेशन रोड विकल्प खन गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री, शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग सिविल लाइंस प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता 3B ताशकंद मार्ग सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने निकट भार्गव बुक डिपो प्रयागराज। हड्डी और जोड़ों से संबंधित किसी भी दर्द को आप पूरी तरह से कहे गुड बाय, क्योंकि वाइटालिटी हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए लेकर आया है ऐसा उपाय जिससे आप अपने पुराने से पुराने दर्द को जाएंगे भूल। पता 3/431 विवेक खंड गोमती नगर लखनऊ। मोबाइल नंबर 9792373455। बाबा साहेब शादी.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल दरभंगा कॉलोनी लाउदर रोड प्रयागराज। लॉन्च करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट सेक्टर 40 गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में, कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहां पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59 फर्स्ट फ्लोर मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स रानी मंडी चौक प्रयागराज उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर हार्निया किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर लखनऊ रोड पोस्ट हेड ऑफिस बाराबंकी। फोन नंबर 0524829763187073854 7912122078।